जी दोस्तों, मंगल दोष की मैं फिर दोबारा से आपको मेन बात जो कहना चाहूंगा, मंगलिक दोष से बिल्कुल ना डरें। मंगल दोष कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, उसको अच्छी तरह कुंडली चेक करवाएं। कुंडली में एक मंगल होता है खर्चे का। अब खर्चे का वैवाहिक जीवन से कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है, वैवाहिक जीवन के साथ है अभी आपस में दोनों का प्यार बना रहे उसके लिए सातवें घर का अगर मंगल है तो सोचने वाली बात है। और आज मैं खास बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। आपकी कुंडली नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है। जन्म पत्री में अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं है। आपने करना क्या, आप अपना हाथ में देख लो बस। आपकी हस्तरेखा के अंदर दोस्तों ध्यान से देखने वाली बात है, अंगूठे के बिल्कुल नीचे देखो, एक होती है लाइफ लाइन, ये मैंने लाल पेन से देखो चलाई है, दिख रही है आपको। और दूसरी ये मस्तिष्क रेखा है। अब ये ज़्यादातर क्या जुड़ी हुई होती है, जिनकी ये अलग अलग होगी, जिसमें गैप होगा, जिसकी हस्तरेखा में राइट हैंड आप देखिए जेंट्स और लेडीज को लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, आपके यदि हाथ में ये दोनों रेखाओं में गैप है, इसका मतलब थोड़ी चिंता की बात है जीवन में, वैवाहिक जीवन में। दूसरा, आपके बुध पर्वत के नीचे सबसे छोटी उंगली के नीचे यहाँ पे ये रेखा बनी हुई है, और इसके ऊपर ये रेखा अगर आपकी लंबी जा रही है और डबल रेखा जा रही है, तब भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी के संकेत आ रहे हैं, मंगल दोष का योग बन रहा है। तीसरा कारण और है हस्तरेखा में, ये शुक्र पर्वत से जो जीवन रेखा जा रही है, शुक्र पर्वत से अगर ऐसी रेखाएं आ रही हैं जो काट रही हैं आपको, अगर ऐसी रेखाएं भी आपकी हाथ में आ रही हैं, तो इसका मतलब मंगल दोष आपको कहीं ना कहीं तंग करेगा। अब इसका उपाय क्या है दोस्तों, यदि आपके देखो सबसे मेन चीज कहता हूँ, माता पिता यदि छोटी आयु में बच्चे की कुंडली दिखाकर या हस्तरेखा दिखा करके अगर ये जान लें कि भी वो मांगलिक है, तो उसका जो मंगल का दोष है ना, उसको आप एडवांस में ठीक कर सकते हो। उपाय क्या होते हैं, छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। रात को सिराने के नीचे पानी रखा, सुबह आप पौधे में डाल दो, ऐसा आप क्या साल के अंदर 20-50 बार कर लिया करो। दूसरा, आपने क्या करना है, शादी से पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप मंगलिक हैं, तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का कलश लेना है छोटा सा, 100 ग्राम का 200 ग्राम का, उसमें शहद भर लो और उसको शमशान घाट में कहीं दबाए आओ। अब शमशान में दबाने से इसका कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त मंगल के साथ कनेक्शन है। लाल किताब का उपाय है दोस्तों ये।